रोहेल जफर शाही सेक्रेटरी जनरल PMRC ने कहा है कि बिशप हाउस पिशावर से मलहका आर्ट कनाल अराजी की चार दीवारी को क्यों गिराया गया। गस्योता शिप चर्च ऑफ पाकिस्तान के साबिक मॉडरेटर और बिशप ऑफ पिशावर डायसिस बिशप हेम्फ्री सरफराज पीटर से तफसीलन बातचीत हुई। ग्राउंड की अकबी दीवार को तोड़े जाने के हवाले से पूछा तो उन्होंने बताया कि कंटोनमेंट बोर्ड पिशावर इंतजामिया कंटोनमेंट एरिया की तजीन और आराइश के लिए मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज की दीवारों को तोड़कर जिसमें बिशप हाउस से मलहका ग्राउंड की अकबी दीवार पीसी होटल पेशावर की दीवार और दीगर कई ऐसी दीवारें तोड़कर उनकी जगह कुछ तजीन और आराइश के हवाला से नया बनाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि शायद एडवर्ड कॉलेज की भी किसी एक दीवार को निकाला जाए। रोहेल जफर शाही सेक्रेटरी जनरल PMRC ने मजीद कहा कि जब मैंने बिशप हेम्फ्री से पूछा क्या इस ग्राउंड को मनाल होटल की पार्किंग के लिए तो नहीं दिया जा रहा, उनके इंतहाई वाजिया अल्फाज थे कि कोई पार्किंग वगैरह के लिए जगह नहीं दी जा रही, चर्च प्रॉपर्टी को किसी भी सूरत नहीं बेचा जा सकता और ना ही बेचा जाएगा, बल्कि हमने सवात में भी चर्च के लिए जगह खरीद कर बाकायदा तौर पर वहां चर्च का आगाज कर दिया है। बिशप हेम्फ्री ने कहा है कि चंद लोग चर्च और मेरे खिलाफ मनफी प्रोपागेंडा करते हैं जो कि हकायक के बिल्कुल बरअक्स हैं। उन्होंने मजीद कहा है कि पाकिस्तान जल्द वापस पहुंचकर मुतलका हकाम से मुलाकात करके इस दीवार पर जल्द काम मुकम्मल करने की भी दरख्वास्त करेंगे, जबकि मैंने इस हवाले से मॉडरेटर चर्च ऑफ पाकिस्तान जनाब बिशप आजाद मार्शल को भी आगाह कर दिया है, उनसे भी आज तफसीली बातचीत होगी।